और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। होमगार्ड विभाग की तरफ से बाइक रैली निकाली गई है और इसे हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर होमगार्ड विभाग की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई है, तिरंगा बाइक रैली जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। और इस रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिरंगा रैली जो है बाइक रैली वो आगे की तरफ बढ़ती हुई, हरी झंडी सीएम ने दिखाकर इसे रवाना किया। होमगार्ड विभाग की तरफ से ये बाइक रैली आयोजित की गई है। सुबह 10:30 बजे का वक्त था और तय समय के मुताबिक ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और इस तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर के सीएम योगी ने यहां से रवाना किया है। अब अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी ये बाइक रैली होमगार्ड विभाग की तरफ से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है जिसको हरी झंडी दिखाकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। होमगार्ड विभाग की तरफ से ये रैली का आयोजन अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम इस बाइक रैली के माध्यम से किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान भाजपा की तरफ से चल रहा है और तिरंगा यात्रा भी अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है। लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर होमगार्ड विभाग की तरफ से जो होमगार्ड विभाग के जवान हैं वो बाइक पर सवार होकर के हाथ में तिरंगा लेकर के इस रैली में शामिल हो रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से जहां से भी ये बाइक रैली निकलेगी वहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा तिरंगा लगाने के लिए अपने घरों पर, दफ्तरों पर, सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो, हर जगह ये अपील की गई है कि तिरंगा जरूर। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। और इन लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर होमगार्ड विभाग की तरफ से जो जवान हैं वो बाइक पर निकले हैं तिरंगा लेकर के और तिरंगा रैली को, इस तिरंगा बाइक रैली को सीएम योगी ने दिखाई है। इस कृतज्ञता के भाव को लखनऊ से आप देख पा रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं की बाइक रैली होमगार्ड विभाग की तरफ से निकाली गई है और इसमें संख्या आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद जवानों की है, चाहे महिला जवानों की बात करें या पुरुष जवानों की बात करें, हर कोई इस तिरंगा रैली में हिस्सा ले रहा है बाबूजी की और इसे हरी झंडी दिखाकर अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मोटरसाइकिल पर और अगुवाई करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। वीर क्रांतिकारी महापुरुषों को याद करते हुए ये रैली निकाली गई है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। नेतृत्व जब प्रबल हो तो सेना का मनोबल सातवें आसमान पर होता है। यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइक रैली होमगार्ड विभाग की तरफ से निकाली गई है। जब हमारे मध्य हो सीएम पहुंचे हुए हैं तो हमारे उत्साह को पंख लग जाते हैं। कई और गणमान्य भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ पुलिस अधिकारी भी कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको मंच पर। और कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है, लेकिन उससे पहले लोगों तक पहुंचकर उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। प्रदेश में इसी कड़ी में तिरंगा रैली की ये तस्वीरें, तिरंगा बाइक रैली गूंज रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आप देखिए यहाँ पर आप जिनके करीब होते हैं, जो जवान हैं वो करीब होते हैं, बड़े खुशनसीब होते हुए आगे की तरफ आज या खुशनसीब उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन को हासिल है और यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, उसी की प्रतिकृति, उसी का प्रदर्शन करके हम धन्य और कृतार्थ हैं। आपने अवसर हमें प्रदान किया, हम स्थापना दिवस पर आपकी प्रतीक्षा करते हैं और आपकी व्यस्तताओं के बीच में हम हमेशा आशा और विश्वास से इस कार्यक्रम को हमेशा संजोते हैं। जब अवसर मिलता है तो हम आपके सामने उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जय घोष भी हो रहा है। हमारे नौजवान अनुकंपा नियुक्ति के बाद प्रशिक्षित होकर के आपको अपना अभिवादन और अपना आभार व्यक्त करने के लिए और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर मौजूद है, अपर मुख्य सचिव गृह वो भी मंच पर मौजूद है। आपके आशीर्वाद से हजारों हैं और इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी की तस्वीर देख रहे हैं। 10:30 बजे का वक्त, अब कुछ देर यहाँ पर सीएम रुकेंगे, उसके बाद तमाम कार्यक्रम और अलग अलग हिस्सों में भी होने हैं।
जब अवसर मिलता है आपको की मौजूदगी जरूरी है, अपना आभार अपना धन्यवाद, जहाँ पर होमगार्ड विभाग के जवान तिरंगा बाइक रैली को आगे बढ़ाते हुए और भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे भी यहां पर लगाए गए। आपने सुना, सीएम ने इस मार्च को रवाना किया और अलग अलग हिस्सों में ये बाइकर्स जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का चंद क्षण हमें हासिल है और वहां पर जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा तिरंगे को लेकर। 75 साल पूरे हो गए हैं आजादी के और इस 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आप देख रहे हैं तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां पर सीएम योगी का स्वागत भी किया गया मंत्री जी से, होमगार्ड विभाग की तरफ से, और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने इस मार्च को रवाना किया, उसके बाद कुछ देर यहाँ पर उनकी मौजूदगी रहेगी। तो आजादी के जश्न में ये तमाम जवान शामिल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और आपने देखा कि होमगार्ड विभाग की तरफ से सबसे पहले बाइक रैली निकाली गई जिसमें महिला जवान भी शामिल रही। इसके बाद मार्च को भी सीएम ने रवाना किया और 75वीं वर्षगांठ को लेकर अलग अलग तरीके से जश्न का माहौल है। तिरंगा रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो इस आजादी के जश्न पर 75 साल पूरे होने पर कम से कम अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं, राष्ट्र ध्वज को फहराएं। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं सबसे ये जो तस्वीरें हैं लखनऊ की, सबसे पहले जो सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा भी कई विभागों की तरफ से जो रैलियां निकाली गई उसकी तस्वीरें भी हमने आपको अलग अलग दिनों पर दिखाई। और अब फिलहाल दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो सीधी तस्वीर मंच की आप देख रहे हैं जहाँ पर सीएम मौजूद है, इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ बाइक रैली की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और बाइक से रवाना हुए होमगार्ड के जवान। 10:30 बजे का समय रखा गया था इस बाइक रैली को रवाना करने के लिए और ठीक बिल्कुल तय समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाइक रैली को रवाना कर दिया है। अब ये जो होमगार्ड के जवान है वो लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि वो भी अपने घर पर तिरंगा जरूर इस बार फहराए। 75 साल हार्दिक स्वागत और आजादी को पूरे हो रहे हैं, देश जश्न मना रहा है। कल का दिन 15 अगस्त का दिन बहुत ही अहम रहेगा और उससे पहले किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।